हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार्स। कार्स हमारे पास आपका स्कॉर्पियो NZ6 और आपका स्कॉर्पियो NZ8। ये 4x4 सेवन सीटर है, दोनों ही आपका सेवन सीटर वेरिएंट है। ये रिसेंटली अभी शोरूम्स पर आना शुरू हुई है, लॉन्च तो पहले ही हो चुकी थी गाड़ी और ये आपका स्टार्टिंग से सेल हो ही रही है। दोनों में फ़र्क है, ये 15,64,000 आपको एक्स शोरूम पर जाती है, 15,64,200 एक्स शोरूम प्राइस है इसका। वहीं इसके प्राइस की बात करूँ तो 22,55,000 समथिंग इसका एक्स शोरूम प्राइस है हरियाणा के अंदर। ये दोनों में हरियाणा के एक्स शोरूम प्राइजेस बताएं यहाँ पर दोनों गाड़ियों के, और डिफ्रेंसेस क्या क्या है इस प्राइस के अंदर। तकरीबन अगर एक्स शोरूम का भी हम प्राइस लगा कर चलें तो आपका 6 से 7 लाख के आसपास फ़र्क आ जाता है दोनों गाड़ियों में प्राइस में, एक्स शोरूम्स के बीच में 6-6.5 लाख का प्राइस का फ़र्क आ जाएगा। ये 15,64 और 22,55, और डिफरेंस क्या 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 है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गाड़ी थोड़ी गंदी है, ब्लैक कलर में डस्ट ज़्यादा आ जाता है ब्लैक कलर के ऊपर, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना कि गाड़ी गंदी है, थोड़ा गाड़ी पे ध्यान देना जो जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। डिफरेंसेस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। की से Z8 में हमें दोनों कीज़ में सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिल जाएंगे, दोनों फ्लिप की के अंदर स्मार्ट की मिलेगी कुछ इस तरह की। महिंद्रा में सारी फ्लिप की एक तरह की मिलती हैं, और जो Z6 की है उसमें एक में आपको डमी बटन्स मिलेंगे, दूसरी में सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिल जाएंगे। बाकी सेम महिंद्रा को लोगों की में कोई फ़र्क नहीं है, सेम डिज़ाइन की मिलती है दोनों गाड़ियों में हमें देखने के लिए। और वहीं बात करें आगे तो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे हम। इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है इसमें आपको गार्निश देखने के लिए मिल जाता है, मैट ब्लैक इंसर्ट मिलेगा और आपका स्कॉर्पियो महिंद्रा का लोगो। LED बेस प्रोजेक्टर मिल जाता है इसमें, लो बीम हाई बीम के लिए, लो बीम के लिए प्रोजेक्टर मिलता है, हाई बीम के लिए आपको LED बेस हेडलैम्प मिल जाती है। नीचे कॉर्निंग लाइट मिल जाती है, DRLs मिल जाते हैं, स्किड प्लेट मिल जाएगी सिल्वर, और लोअर पार्ट आपको ब्लैक ही देखने के लिए मिलेगा, और आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में दिखा चुका है। लो बीम के लिए LED बेस प्रोजेक्टर मिलेगा और हाई बीम के लिए आपको LED बेस हेडलैम्प मिलेगा। वहीं Z6 की बात करें तो इसमें डुअल बैरल हेडलैम्प्स मिलेंगे, बट दोनों ही हाइलोजन बेस मिलेंगे इसमें, डुअल बैरल हेडलैम्प हाइलोजन बेस मिलेंगे। यहाँ पर आपको ग्रिल की बात करूँ, महिंद्रा का लोगो तो गार्निश में मिलेगा, बट इंसर्ट ब्लैक और अपर पार्ट आपको सिल्वर देखने के लिए मिलेगा। जहाँ उसमें गार्निश मिल रहा है वहाँ पर ये पार्ट सिल्वर आ जाएगा, ये बीटिंग भी और ये भी ग्रिल में भी। लोअर ग्रिल सेम मिलेगी, सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी, कोई कॉर्निंग लाइट वगैरह इसमें हमें नहीं मिलेगी, Z8 में मिल जाती है। Z8 में हमें ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है, इसमें हमें ऑटो का नहीं मिलता, रेन सेंसरिंग वाइपर नहीं मिलता इसमें। Z8 में आपको रेन सेंसरिंग वाइपर मिल जाते हैं ऑटो। रूफ रेल्स सेम मिलते हैं दोनों गाड़ियों में, सिल्वर कलर के रूफ रेल्स मिलेंगे दोनों में, आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा। Z8 में हमें ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, इसमें हमें ऑटो हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे Z6 में। इसमें आपको रेन सेंसरिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, ऑटो वाइपर मिलेंगे, इसमें आपको मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे, इसमें भी रेन सेंसरिंग नहीं मिलेंगे। रूफ रेल्स दोनों में सेम मिल जाते हैं सिल्वर देखने के लिए, इसमें भी सिल्वर रूफ रेल्स मिलेंगे और इसमें भी सिल्वर, दोनों में सनरूफ मिल जाता है आपको देखने के लिए, इसमें भी सनरूफ मिल जाएगा Z8 में भी और यहाँ Z6 में भी। यहाँ पे अब वहीं आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो दोनों पे क्लैडिंग का पार्ट सेम देखने के लिए मिलेगा, फ़र्क आ जाता है रिम्स पे। Z8 में हमें अलॉयज मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्टील रिम्स मिलेंगे ब्लैक, फेंडर दोनों के प्लेन मिलेंगे, क्लैडिंग बराबर मिलेगी दोनों में देखने के लिए। टायर सेक्शन की बात करूँ तो टायर सेक्शन आपको 225/60/18 का मिलेगा इसमें, वहीं इसमें 245/65/17 टायर साइज फ़र्क आ गया, 245/65/17 मिलेगा Z6 में। Z8 में आपको 255/60/18 मिलेगा, इसमें 17 इंची टायर है इसमें 18। डिस्क ब्रेक दोनों में फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे दोनों गाड़ियों में। वहीं आगे बढ़ेंगे, ORBM दोनों में ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर, फ़र्क आ जाएगा। ये बीडिंग आपको ब्लैक मिलेगी देखने के लिए पूरी टेल तक, यहाँ तक इसमें आपको गार्निश देखने के लिए मिलेगी, यहाँ टेल तक जो इसकी स्कॉर्पियो यानी कि टेल होती है ये पूरी आपको गार्निश बीडिंग मिलेगी, यहाँ से स्टार्ट होके डोर बीडिंग लेफ्ट राइट दोनों, मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको यहाँ तक गार्निश मिलेगा। इसमें ब्लैक ही मिलेगी, इसकी टेल आपको ब्लैक ही देखने की मिलेगी पूरी बीडिंग। Z8 में हमें एडेनॉक्स मिल जाता है, फ्यूल टैंक गाड़ी अनलॉक है तो पुश करके खोल सकते हैं। और वहीं Z6 की बात करूँ तो Z6 में भी आपको एडेनॉक्स मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एडेनॉक्स का, और यहाँ भी अगर आपका इसका कैप खोलेंगे, ये भी डीजल वेरिएंट है तो ये भी आपका अगर गाड़ी अनलॉक है तो प्रेस करने से खुल जाएगा। वहीं रियर की बात करूँ वही आपको LED बेस्ड टेल लैंप्स मिल जाते हैं इसमें देखने के लिए, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर,
शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ महिंद्रा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, चार पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, और यहाँ बीटिंग मिल जाएगी, रियर बम्पर लैंप्स मिल जाएंगे, रियर फॉग लैंप्स रिवर्स के लिए, सिल्वर स्कीड प्लेट मिलेगी, रिवर्स व्हील आपका स्पेयर व्हील नीचे ही है, रिवर्स व्हील बोल गया मैं, यहाँ स्कॉर्पियो एन की मार्किंग, Z6 वगैरह की मार्किंग नहीं है इसमें कहीं भी, ये डोर हैंडल्स हमें प्लेन मिलेंगे इसके, यहाँ डोर हैंडल्स में हमें बॉडी कलर और इंसर्ट गार्निश देखने के लिए मिल जाता है, पीछे भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा बूट गेट पे भी, और वही आपका रेयर वाइपर, रेयर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, स्पॉइलर, महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा इस जगह पे, एक्सप्लोर फोर एक्सप्लोर की मार्किंग मिल जाएगी, 4x4 वेरियंट है ये, नीचे बम्पर पे आपको गार्निश मिलेगा, रियर फॉग लैंप्स, चार पार्किंग सेंसर्स पॉइंट के हुए, सिल्वर स्कीड प्लेट मिल जाएगी, स्कॉर्पियो एन की मार्किंग, और फ़र्क आ जाता है रियर में, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ कैमरे का फ़र्क है और आपका रिक्वेस्ट सेंसर का, डोर हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर है, इंसर्ट गार्निश है इसके, सेम बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, बाकी टेल लैंप्स वगैरह सेम है, बम्पर भी सेम है, यहाँ बीडिंग मिलती है उसमें भी आपको गार्निश बीडिंग देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ जो डोर हैंडल्स हैं इसके इनमें आपको बॉडी कलर और इंसर्ट गार्निश देखने के लिए मिलेगा, इसमें सेम बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं Z6 के अंदर, इसमें ड्राइवर को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता, इसमें ना तो ड्राइवर साइड मिलेगा ना को ड्राइवर, किसी भी साइड रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर में, Z8 के इंटीरियर के अंदर चलते हैं पहले, यहाँ जैसे ही गाड़ी ओपन करेंगे हम, मेन वही पूरा ब्राउन और ब्लैक का ये आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है स्कॉर्पियो एन के अंदर, ये जो पार्ट है ड्राइवर ट्री मामलेस्ट ये सॉफ्ट टच में आ जाता है, उसमें हार्ड मिलेगा आपको Z4 Z6 के अंदर भी दिखाऊंगा आगे, ये ग्लोसी में आ जाता है उसमें मैट में मिलेगा आपको, डोर हैंडल Z6 का मैंने दिखाता हूँ आपको कैसे मिलता है, क्योंकि Z4 में ब्लैक था ये, Z6 में कुछ कुछ ये सिल्वर सा मिल जाता, ग्रे सा, डोर ओपनर गार्निश, मैट गार्निश, लॉक अनलॉक का बटन, नीचे स्पीकर मिल जाता, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ मैनुअल हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं आपको, और वहीं लंबर स्पोर्ट्स भी देखने के लिए मिल जाती है इसमें, और ये सीट्स आपको यहाँ पे आपको फोर व्हील लो और फोर व्हील हाई का ऑप्शन मिल जाता है, ड्राइवर ट्रेन मिल जाते हैं आपका डेजर्ट वगैरह के लिए, डेजर्ट पहाड़ों हिल्स वगैरह के लिए, पानी के लिए, यहाँ चार तरह के आपको ड्राइवर ट्रेन मिल जाते हैं, हिल डिसेंट मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ मिल जाता है, आइडल ऑन ऑफ मिल जाता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है, और यहाँ आपका लेदर रैप स्टीयरिंग मिलता है आपको, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है, टिल्ट है टेलीस्कोपिक नहीं है, यहाँ आपको ग्लोसी ब्लैक का कुछ आपको ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है हमें, बीच में महिंद्रा का लोगो, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, यहाँ भी आपको गार्निश देखने के लिए मिल जाता है, और मीटर तो आप इसका देख चुके हैं, फिर भी एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। जब चलते हैं स्कॉर्पियो NZ8 के अंदर चलते हैं, पहले यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर से हम जैसे ही गाड़ी खोलेंगे गाड़ी आपकी खुल जाएगी, और ORBM आपके जब हम इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाएंगे उसके बाद ही शायद ऑन होंगे, एक बार मैं मीटर ऑन कर लेता हूँ इसका, तो कुछ इस तरह से इसका मीटर देखने के लिए मिलेगा, जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीड मीटर एनालॉग में, RPM एनालॉग में, बीच में एक MID मिल जाएगी, नीचे फ्यूल गेज और इंजन गेज भी आ रहा है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड, IRBM मैनुअल मिलते हैं, यहाँ पे आप सनग्लास होल्डर, टू रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं वाइट आपका, यहाँ पे आपका सनरूफ हो गया, ये मैनुअल मिलता है आपको सनरूफ, यहाँ कंट्रोल है सनरूफ का, सिंगल टच पे खुल जाता है, बीच में आर्मरेस्ट मिल जाता है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है देखने के लिए हमें स्कॉर्पियो NZ8 के अंदर भी, और इसे बंद करके चलते हैं हम स्कॉर्पियो NZ6 के अंदर। अच्छा, एक फीचर ये भी अलग है, जैसे ORBM आपका खुल गया जब हमने इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाया, जैसे ही गाड़ी लॉक करेंगे तो यहाँ आपका ORBM बंद भी हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर से गाड़ी लॉक करते ही। अब आ गए हम स्कॉर्पियो Z6 पे, यहाँ पे Z8 खड़ी है, Z6 यहाँ कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता हमें, डोर ओपन करेंगे तो जैसा मैंने बताया था वो ये पूरा ब्राउन में मिलेगा आपको, फ़र्क आ जाता है, ये आपको सॉफ्ट टच में मिलता है Z8 के अंदर, ये आपका हार्ड में मिलेगा, ये ग्लोसी ब्लैक में मिलता है, ये मैट में मिलेगा, यहाँ पे आपको और ORBM आपसे फिर का एडजस्ट कर सकते हैं, उसके फोल्ड एंड फोल्ड भी इलेक्ट्रिकली होते हैं, तो ये भी आपका फ़र्क है, यहाँ आपका डोर ओपनर गार्निश में मिलता है उसका, ये लॉक अनलॉक गार्निश में मिल जाता है, ये आपका सेम कलर का मिलता है, डोर एक्सेस हैंडल स्पीकर वगैरह सेम मिल जाते हैं,
यहाँ पे फर्क आ गया, ये इस चीज में सॉफ्ट टच में ग्लोसी में होता है, ये आपका गार्निश में मिलते हैं। इसमें की जगह मिलती है, उसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और ये सारा ही थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिल जाता है। लंबर स्पोर्ट मिल जाती है हमें, कहीं ना कहीं फीचर सेम रखे हैं। Z6 के अंदर भी हमें लंबर स्पोर्ट मिल जाती है मैनुअल हाइट एडजस्ट के साथ। सीट फंक्शन सेम है Z6 और Z8 के अंदर। इसमें हमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा, उसमें हमें रैप स्टीयरिंग थी, लेदर रैप स्टीयरिंग था, बट इसमें आपको लेदर रैप नहीं मिलेगा, विदाउट एनी रैप स्टीयरिंग मिलेगा और आपका फ्लैट बॉटम मिलेगा, बट वही आपका क्रूज कंट्रोल वगैरह फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें भी आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। मीटर की बात करें तो मीटर भी सेम ही मिलता है, मीटर में कोई फर्क नहीं है, वही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा, वही बीच में MID मिलेगी, फ्यूल गेज इंजन गेज वगैरह देखने के लिए मिलेंगे आपको। जिप जैप जूम तीन ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं इसमें हमें, ड्राइव मोड के बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हिल डिसेंट ट्रैक्शन ऑन ऑफ आपका आइडल ऑन ऑफ के लिए बटन्स दिए हुए हैं, हजार्ड लाइट का। नीचे दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक टाइप सी मिल जाता है, दोनों ही USB हैं, टाइप सी नहीं है, और ऊपर आपको वही सेम म्यूजिक सिस्टम मिलता है Z4 वे इंटरफेस देखने के लिए। इसमें फ़र्क कहाँ है, Z6 में भी आपको ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस दे दिया इन्होंने, वही आपका रीडिंग लाइट वाइट, यहाँ पे सनरूफ, ये सनरूफ कंट्रोल, ये आपका आर्मरेस्ट, उसमें सॉफ्ट टच में मिल जाता है, ये हार्ड मिलेगा, जो ग्लोव बॉक्स है दोनों में ही हमें कूल्ड मिलेगा। बाकी यहाँ आप दोनों का इंटीरियर दिखाया मैंने गाड़ियों का, आपने Z8 का देखा था इससे पहले। कीलेस के फ़र्क आ गया, स्टीयरिंग रैप का फ़र्क आ गया, ये हार्ड टॉप सॉफ्ट का फ़र्क आ गया, हार्ड और सॉफ्ट का। बाकी सीट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वही लंबर स्पोर्ट के साथ आपको मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है लंबर स्पोर्ट के साथ। और चलते हैं आप पैसेंजर सीट्स पे, पहले Z6 के अंदर ही चलेंगे, दोनों का साथ खोल लेते हैं, Z8 और Z6। यहाँ Z8 खोल लेते हैं पहले हम, यार वही रिक्वेस्ट सेंसर से खुलेगा आपका, तो Z8 खोल लिया हमने। पीछे भी पैसेंजर ट्री आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में मिलेगा, वही ग्लोसी में मिलती है, पैनल वगैरह आपको ग्लास अप डाउन करने के लिए। ये डोर ओपनर, लॉक अनलॉक डोर एक्सेस हैंडल, वही लेदरेट सीट्स हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, बीच में आर्मरेस्ट है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बीच में दो AC वेंट पैसेंजर्स के लिए, और ब्लोअर स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, एक टाइप सी चार्जर मिल जाएगा। ऊपर रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी, पीछे थर्ड रो में भी दो रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं दोनों तरफ देखने के लिए 7-सीटर वेरिएंट्स में। और AC वेंट्स वगैरह देख लेते हैं अभी खोल के, AC वेंट्स वगैरह हमें नहीं, थर्ड रो में AC वेंट्स नहीं है। अब यहाँ Z6 का पैसेंजर डोर खोल लेते हैं, वही सेम ब्लैक में ही मैट का फर्क आ गया, उसमें ग्लोसी में मिलता है ये पैनल, इसमें मैट में है, ये आपको हार्ड टच में मिलेगा, उसमें सॉफ्ट टच में डोर ओपनर आपका गार्निश में, ये लॉक अनलॉक का बटन ये भी मैट में दिए हुए हैं Z6 के अंदर, उसमें आपको गार्निश मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ Z8 खड़ी है, ये देख लो इसके डोर हैंडल्स, और यहाँ पे ये फ़र्क देख लो, और ये आपका Z6 आ गया, यहाँ भी आप पैनल देख सकते हैं। इसमें भी हमें सेमी फैब्रिक सीट्स, उसमें लेदर सीट्स थी, इसमें सेमी फैब्रिक्स हैं, बट वही 60-40 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। पीछे दो रीडिंग लाइट्स नहीं मिलेंगी, उसमें थर्ड रो में रीडिंग लाइट्स पीछे दो, बाकी दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 60-40 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, बीच में आर्मरेस्ट भी है। यहाँ पे आपका ग्लो, आपको दो वेंट मिल जाएंगे AC वेंट, और यहाँ पे इसे आप लोअर की स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं, और टाइप सी चार्जर मिल जाएगा एक, बाकी सनरूफ वगैरह सेम है। रीडिंग लाइट का फर्क आ गया, पीछे दो मिल जाती हैं, इसमें आपको सेकेंड रो में मिलेगी, थर्ड रो में रीडिंग लाइट नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये जैसे ही Z8 का खोलते हैं, इसमें हमें हाइड्रोलिक गेट मिल जाता है खोलने के लिए, यहाँ पे गार्निश में आपका लॉक अनलॉक, ऊपर आपको दो रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी, ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं Z6 के अंदर, यहाँ जैसे ही Z6 खोलेंगे, इसमें भी हमें हाइड्रोलिक ही गेट मिलेगा, बट पीछे रीडिंग लाइट्स नहीं मिलेंगी आपको, ग्रैब हैंडल्स हैं, बट थर्ड रो में लाइट्स नहीं मिलेंगी। दोनों गाड़ियों में रनिंग बोर्ड आपको सिल्वर ही देखने के लिए मिलेंगे, इसके अंदर भी स्कॉर्पियो Z8 के अंदर भी एंड Z8 के अंदर भी, और Z6 के अंदर भी रनिंग बोर्ड आपको ब्लैक ही देखने के लिए, वो सिल्वर ही देखने के लिए मिलेगा, रनिंग बोर्ड का जो पार्ट है दोनों गाड़ियों में। और इनमें ना आपको जो यहाँ पे फुटरेस्ट लगेंगे आपको दोनों गाड़ियों में Z4 से ही आ जाते हैं, ये देखो फुटरेस्ट अंदर आते हैं पैक, ये आपको खुले नहीं मिलते, जब आप गाड़ी लोगे उस टाइम आपको शोरूम की तरफ से ये फिटमेंट करके दे दी जाती है फुटरेस्ट की Z4 वेरिएंट से ही। तो भाई ये था आपका स्कॉर्पियो एन
Z8 और Z6 का कंपैरिजन, कितना फ़र्क है दोनों गाड़ियों के बीच में, वो आपने देख लिया। कि लोग बता रहे कि सेम है, काफ़ी चेंजेस है इंटीरियर में और कॉस्मेटिक चेंजेस, ज़्यादा फ़र्क आ जाता है Z8 और Z6 के बीच में। एक्सटीरियर में भी आप फ़र्क देख सकते हैं। अब आप वीडियो बताना कैसी बनी आपको और जो इसमें डिफरेंसेस है वो कैसे लगे, कंपैरिजन कैसे लगे, क्योंकि टायर सेक्शन से ही आपका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रंट से ही चेंज हो जाते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।